तो मेरा फेवरेट शो स्टार्ट हो चुका है 21 शो, तो मैं अभी फ़िलहाल लेट कर वही देख रहा हूँ। आप गैस करो कौन से शो की बात कर रहा हूँ मैं। OTT प्लेटफॉर्म पे आता है जियो सिनेमा। गैस गैस मैं बताओ, बिग बॉस। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसके चलते देखो कितने हैं। What do you need 8 pairs of shoes in Big Boss house? See. Interest? ये इतने शूज उठा कर अरे शायद जवान शूज। और गाइस सोशल मीडिया पर जो भी लोग अरमान मलिक को जो फॉलो करते हैं उन्हें उनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखी हुई है। उनके जो फॉलोवर्स हैं उन सबके लिए ये गुड न्यूज़ है कि बिग बॉस OTT में पहली बार अरमान मलिक उनकी 2 वीडियो के साथ आए हैं, तो उनकी भी केमिस्ट्री देखेंगे हम। वैसे तो वो दिखाई रहे बहुत अच्छी, बट इसमें भी हम देखना चाहेंगे, तो मैं भी बस वही कर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। सो 21 जून शाम 9 बजे जी सिनेमा पर देखना मत भूलिएगा। OTT प्लेटफॉर्म पर आ रहा है हमारा प्यारा और दिल से जुड़ा हुआ और एक अच्छा रिश्ता बना हुआ है उसके साथ बिग बॉस, तो प्लीज़ उस शो को देखिएगा। एंड मैं भी 2 दिन से देख रहा हूँ, तो बस अभी मुझे इसे मतलब 3 महीने तक मेरे को वही देखना है कि अबे तूने किचन अभी तक साफ नहीं किया, अबे तूने अभी तक मतलब वॉशरूम क्लीन नहीं किया, अबे तूने उसकी 2 रोटियाँ ज़्यादा ले ली, अबे तूने ये कर दिया, तूने मेरा बैग नहीं बनाया, तूने मेरा ये काम नहीं किया, तूने मेरा वो काम नहीं किया। बस यही देखना है अभी 3 महीने तक। आप भी देखो मैं भी देखता हूँ। एंड हमारे कपूर साहब हैं जो इस शो को अभी OTT प्लेटफॉर्म पर इस शो को मतलब होस्ट करने वाले हैं, तो हाँ उनसे भी अभी थोड़ा सा जुड़ना पड़ेगा। एंड ऑडियंस से तो हम ऑलरेडी जुड़े हुए, मैं भी ऑडियंस हूँ बिग बॉस की, तो प्लीज़ सभी कंटेस्टेंट्स को मैं भी वोट करूँगा, जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं ज़रूर करूँगा उसको वोट। तो गाइस मैं वापस आया हूँ आपको मिलने के लिए और अच्छे व्यू के साथ आया हूँ। मेरे को एक्चुअली क्या है ना कि शेर व शायरी करना बहुत पसंद है, लिखना बहुत पसंद है, तो मैंने अभी हाल ही में एक बहुत ही अच्छी शायरी लिखी हुई थी, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, रील्स भी बनाई थी, मैंने इंस्टा पर भी उसे अपलोड किया था। तो वो शायरी थी, मैं आपको सुनाता हूँ। तेरे और मेरे हम दोनों के सपने हमने साथ मिलकर देखे थे, पूरा होते ही तुम्हारा सुख हमें नसीब ना हो पाया, तो उस सपने की क्या औकात जो हम दोनों को साथ ना रख पाया। तो कभी कभार मुझे थोड़ा लिखना, शायरियाँ बनाना, ये सब मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कभी कभार बनाता हूँ। और हाँ अभी तो मैंने नया ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो मैं आपके साथ ऐसी शेर व शायरियाँ शेयर करता रहूँगा। गाने गाने का बहुत शौक़ है, तो वो भी आपके सामने कभी कभार मैं गुनगुना लूँगा। एंड एक्टिंग, मॉडल एंड डांसर, तो ये सब तो चीज़ें रहेगी अभी धीरे धीरे, पर हाँ मैं आपको मैं ज़रूर अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ के रखूँगा। एंड दूसरा क्या था, बस वही लाइफ स्टाइल मैं आपको दिखाऊँगा। आपको शायद मेरा चेहरा ब्लैक दिखता होगा, बट अब आपको दिख जाएगा, तो प्लीज़ गाइस मेरे से जुड़े रहिएगा, है ना। आई एम बैक, मैंने जैसे कि बोला था कि मैं आऊँगा वापस, तो मैं एक बात लेकर आया हूँ वापस, जो मुझे आप लोगों को बतानी थोड़ी ज़रूरी है। जैसे कि आप 21 साल के हो जाते हो, 25 साल के हो जाते हो, 30 साल के हो जाते हो, यार आप प्रैक्टिकल इस दुनिया से जुड़े हुए हो, राइट। तो आपकी बुद्धि तब क्या भैंसचर में चली जाती है, तब आपको चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है क्या? आपको बिग बॉस के घर में जाने के बाद ही आपको ये चीज़ों की वैल्यू क्यों आ जाती है? नीरज गोयल करके एक कंटेस्टेंट है बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म में है, सीजन 3 में है समथिंग। अभी जस्ट मैंने उनकी रील्स देखी, तो वो अपनी माँ को कहते हैं कि देखो मम्मा ये दाल मिली इतनी सी ली, मेरे को ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही, बट फिर भी मेरे को यहाँ पे खानी पड़ रही है, मेरे को ये भी दिन देखने थे, अभी मुझे ये सीखने को मिला। यार मुझे आपकी एज क्या है वो मुझे नहीं पता, पर आप खुद तो सोचिए कि आप कितने साल के हो, तो आप प्रैक्टिकल कहाँ चले गए थे इतने सालों से, और कहाँ पर थे आप कि आपको चीज़ों की वैल्यू नहीं थी, सिर्फ बिग बॉस में आने के बाद ही आपको पता चला। वेरी गुड, सॉरी, आई एम बैक। सो हेलो गाइस, मैं वापस आपको मिलने आया हूँ, शाम के 12 बजे हैं। एंड रिपीट टेलीकास्ट में देख रहा हूँ बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म पर, ये सना जी को बिग बॉस कुछ स्पेशल्स पावर दे रहे हैं एंड बस वही मैं उसको देख रहा हूँ। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको सीधा कल सुबह मॉर्निंग में। तब तक मैं भी थोड़ी तो बिग बॉस की गॉसिप देख लूँ।